अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये एरिया मेनली फेमस है बुखरा में टूरिज्म के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जगह स्टार्ट होता है वहाँ से अभी मैं चलते आ रहा हूँ और ये जगह यहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं चलते चलते जाऊँगा और आपको मैं जो कुछ भी है जितने भी बिल्डिंग्स हैं जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ के वो मैं दिखाते जाऊँगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि ये जगह एक्चुअली है कैसा। बुखरा में मेनली इसी जगह पे आपको टूरिस्ट दिखाई देंगे और यहीं पे आप देखिए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है, टूरिस्ट पुलिस भी है और लोग अपना छोटा मोटा रोज़गार भी लगाते हैं यहाँ पे। रात के समय में इस जगह पे ज़्यादा चहल पहल होता है, उसका वीडियो भी हम बनाए, उसका भी क्लिप डाल देंगे जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि रात के समय में ये जगह कैसा दिखता है। ये जो एरिया है यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो आपको देने से ज़्यादा आपसे लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो टूरिस्ट से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ हैं, फैमिलियर हैं। तो मैं कल कुछ सामान यहाँ पे ले रहा था तो जो सामान मैंने ताशकंद में लिया था वही सामान यहाँ पे दुगने प्राइस में ये लोग दे रहे थे। आज बुखरा में मेरा हो सकता है कि आखिरी दिन हो, मैं चाहता था कि एक वीडियो में बना दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी स्पेशली होता है, ऐसा कुछ मैंने समरकंद में भी देखा था। यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट होते थे वहाँ पे एक टूरिस्ट के लिए अलग से पुलिस के लिए सेक्शन बनाया गया था। तो जो टूरिस्ट होते हैं यार ज़्यादा ये सब जो छोटा मोटा स्टॉल लगाए होते हैं जो लोकल्स, तो ज़्यादातर टूरिस्ट बस अपना टाइम पास करते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, बस आएंगे सवाल जवाब करेंगे फ़ोटो लेंगे और चले जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं यार कि किसी लोग किसी के पास जाएं और उससे पूछें कि इसका प्राइस क्या है इसका प्राइस क्या है और कुछ लेना उसको बुरा लगे। हम ये किसी तरह का शॉप है जो कि काफी पुराने बिल्डिंग है, आप बुखरा आओ अगर गर्मी में तो शाम के समय में निकलो, यहाँ पे रात 9 बजे होता है तो शाम का समय आप मान सकते हो कि 7 बजे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि उज़्बेकिस्तान में जो मेन प्राइस है यहाँ के हॉस्टल महंगे हैं, इसके पीछे का रीज़न है यहाँ की गवर्नमेंट जो लोग हॉस्टल या फिर होटल चलाते हैं, अगर मैं जाके किसी हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मेरा 33,000 रुपये टैक्स उनको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसीलिए यहाँ के जो हॉस्टल हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और इस तरह का लोग खुद यहाँ पे चलाते हैं। All 5,000. Okay, give me one. What? Yes. Milk, choco mix. Milk, choco mix. 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 Yes. Okay. Rahmat. तो हम उस तरफ से चलते हुए आए थे और ये आप देख सकते हो बस ये ख़त्म हो गया,
इसके जस्ट उधर बस एक और मॉन्यूमेंट है, जिंदान मॉन्यूमेंट शायद उसका नाम है। और एक मॉन्यूमेंट ये भी था। हम किसी मॉन्यूमेंट के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक से कई ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं। ये जो मॉन्यूमेंट है पीछे, इसका नाम तो हमको नहीं पता, लेकिन आई थिंक यही यहाँ का मेन मॉन्यूमेंट है क्योंकि यहीं पे लोग ज़्यादा फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं अपना। इसका नाम है जिंदान मॉन्यूमेंट। ये पुराने समय में प्रिजन के तरह इस्तेमाल किया जाता था। 1869 से लेके 1959 तक इसका इस्तेमाल हुआ था प्रिजन के तरह। और इसका जो बनावट है वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। इसके लिए हमको थोड़ा आगे चल के जाना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये मोटा दीवार है जिसके बीच में ये मेटल रॉड लगे हुए हैं और अंदर मिट्टी इसके भरा हुआ है। तो ये पुराने समय में इस्तेमाल होता था एज अ प्रिजन। और आप ये देख पा रहे हो ये लकड़ी लगा हुआ है, ना जाने कितने साल पुराना होगा। और भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये मॉन्यूमेंट डैमेज हो चुका है, मैंने आपको दूर से दिखाया था, तो यहाँ की गवर्नमेंट इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवा रही है। क्योंकि आप देख भी पा रहे हो यहाँ से लेके ऊपर तक का जो है ये नया बना हुआ है, ये नया कंस्ट्रक्शन है। यहाँ की गवर्नमेंट इस मॉन्यूमेंट को वापस से कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा खर्च कर रही है। हेलो सलाम, ना जाने क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। सलाम हिंदुस्तान, नमस्ते, पका पका, ओके बाय। सामने से ये जिंदान मॉन्यूमेंट कुछ ऐसा दिखाई देता है। जाके पता करते हैं जिंदान मॉन्यूमेंट में एंट्री फीस कितना है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो अंदर जाएंगे। हाउ मच इज द एंट्री फीस? 40,000। यहाँ का एंट्री फीस यार 40,000 है। तो यही रीज़न है यहाँ की गवर्नमेंट इसको रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। और अभी हम इधर से चले जाएंगे इस तरफ, इधर सेंट्रल बाज़ार है। तो ये है भाई यहाँ का सेंट्रल बाज़ार, काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा सामान है कि चलने के लिए जगह नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए अपने लिए लेने आया था, और हमको ये जगह एक्सप्लोर भी करना था। ये जो जिंदान मॉन्यूमेंट है वहाँ से आई थिंक 500 मीटर की दूरी पे होगा। तो अभी मैं अपने लिए कुछ खाने के लिए ले रहा हूँ, जो हमको खुद भी नहीं पता क्या है, लेकिन 1,000 में एक मिल रहा है। हाँ एक हज़ार में एक है, तो इन्होंने हमको एक ज़्यादा करके दिया है। ये कोई मीठा चीज़ है। बच्चे 1,000 रुपये लेके आ रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं आइसक्रीम के लिए। आई थिंक 1,000 से ज़्यादा का आइसक्रीम। तो इसको 1,000 में आइसक्रीम मिल गया। तो यही है बुखरा, जिंदान मॉन्यूमेंट है, और उसके बाद ये सब कुछ बिल्डिंग्स हैं, पुराने बिल्डिंग्स हैं जिनके सामने लोग आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, कुछ समय बैठते हैं, होटल लेते हैं, यहाँ के रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, यहाँ का खाना पीना ट्राई करते हैं, यहाँ पे फ़ोटो लेंगे और वापस चले जाएंगे। बस यही होता है ट्रैवल। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर कोई फ़ोटो ही ले रहा है, ये भी फ़ोटो ले रहे हैं, उधर भी जितने हैं सब ये सब फ़ोटो ही ले रहे हैं। तो यही होता है।
ट्रेवल। आप दूर जाओ अपने घर से बहुत ही ज़्यादा, और ये अपने आप में ही बहुत ही बेहतरीन फीलिंग होता है कि आप अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर हो। अपने आप में ही लगता है कि आप औरों से कुछ अलग, औरों से कुछ बड़ा कर रहे हो। अच्छा है, नॉर्मल ज़िंदगी से तो अच्छा ही है। आप जाते हो, आपका कोई जॉब होता है, या फिर या तो आप स्टूडेंट हो गए, आपका रोज़मर्रा का ज़िंदगी सेम ही होता है। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो तो आपके साथ हमेशा कुछ नया होता है, हमेशा एक नए जगह पे होते हो, आपके लाइफ में एक्टिविटी ज़्यादा होता है। एक्टिविटी ज़्यादा होगा तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आपके पास मेमोरी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा एक्सपीरियंस मतलब आप ज़्यादा सेटिस्फाई होगे लाइफ में। अभी हम अपने हॉस्टल में जिसमें रह रहे थे वहाँ से चेकआउट कर लिए हैं, क्योंकि सुबह में हम निकलेंगे कहीं और यहाँ बुखरा से। तो आज रात जब तक यहाँ पे चहल पहल है हम इसी जगह पे रहेंगे, उसके बाद 5 बजे सुबह हो जाता है तो कोई रात यहाँ पे बिताना कोई बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। इस वीडियो में हम आपको यहाँ का जो, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट थे जिंदान मॉन्यूमेंट और इन सब मॉस्क का, ये मॉस्क है मॉन्यूमेंट नहीं मॉस्क, तो इन मॉस्क का हमको नाम नहीं पता है, कई सारे मॉस्क थे तो हर मॉस्क का नाम मेरा अंदाज़ा है आप में से भी ज़्यादातर लोगों को उतना हो सकता है हिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो। तो जैसे ये टूरिस्टिक एरिया है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, तो अभी हम उसी के सामने हैं, इसी मॉस्क के सामने। तो हम यहाँ पे गए पानी लेने के लिए, तो 3000 का जो पानी का बॉटल है ये लोग 7000 में दे रहे थे। तो आई थिंक 5 मिनट के वॉक पे हम गए यहाँ पे, जब ये जो एरिया है जो मेनली टूरिस्ट के लिए है, इससे जैसे ही हम थोड़ा सा निकले वहाँ पे मार्केट में गए, वहाँ पे हमको 1 लीटर का पानी जो है वो 3000 में ही मिला। तो ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही इस वीडियो में बताया कि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो आपको देने से ज़्यादा आपसे लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग वाकिफ़ हैं, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट से डील करना जानते हैं, और मेनली यहाँ पे जितने भी लोकल्स हैं बिजनेस अपना करने के लिए, तो जाहिर सी बात है पैसा इनके लिए ज़्यादा पहला प्रायोरिटी होगा। रात के समय में ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइट्स नीचे लगे हुए हैं ये एक्चुअली ऊपर लाइट देते हैं, इसके वजह से ये पूरा चमकता है, और इसके ऊपर भी कोई ऐसा कुछ आई थिंक सम काइंड ऑफ पेंट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये चमकता है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये पेंट ही है जो साइन कर रहा है, और ये ईंट है, ईंट के ऊपर पेंट डाला गया है। तो अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम अपने हॉस्टल से चेकआउट कर लिए थे, तो ठहरने के लिए कोई जगह था नहीं। अगर आप बाहर रहते हो उज़्बेकिस्तान में, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि हम ताशकंद में जब थे और समरकंद में थे तो पुलिस वाले आके सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपका होटल कहाँ पे आप लियो ये सब। तो ये शॉप है, कॉफ़ी शॉप है, तो ये पूरे रात खुला रहता है। मैंने एक कॉफ़ी लिया है।